हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक किम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्राइड, जो कि एमएससी सेकंड सेम ऑर्गेनिक का एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं। ओके, तो हमारे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये सेकंड सेम फर्स्ट सेम अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो ये मैटर नहीं करता, हमको पढ़ना है कार्बोनिक एनहाइड्राइड क्या होता है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये आपके सी एस आई आर नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार स्ट्रक्चर से, रिएक्शन से, और ये जो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कई बार मॉलिक्यूलर मास पूछ देते हैं, स्ट्रक्चर पूछ देते हैं, कौन सा इसमें एक्टिव साइट है ये पूछ देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से सी एस आई आर नेट में। ओके, एंड थ्योरी एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। जिंक आयन एज अ एक्टिव साइट। ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कार्बोनिक कार्बोक्सिल पेप्टाइड्स में इससे पहले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। ओके, तो वैसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो 30,000 होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम फाउंड इन नेचर विथ रिएक्शन रेट ऑन द ऑर्डर ऑफ 10^-6 सेकेंड। ओके, अबव pH 7 द डोमिनेट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ CA विथ CO2 कैन बी डिस्क्राइब। ओके, यहाँ पे CA क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेट अ वेरी इफिशियंट कैटालाइज दैट इन्हेंस द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू HCO3। ओके, वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1933 इन रेड ब्लड सेल। ओके, देन देखते हैं क्या होता है इसका रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन कैटलिस्ट बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज, जब HCO3 और H का रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ का जो एक ऑक्सीजन है वो H के साथ मिल जाता है और OH और एक H मिलके H2 बनाएगा, और फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा तो ये CO2 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ओके, द रिएक्शन दैट सो द कैटलाइजिंग ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइट इन अवर टिश्यू। ओके, तो CO2 का जब H2 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, जो वापस ब्रेक होके H+ और HCO3- माइनस दे देता है। ओके, द कैटलाइजिंग ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इन द लंग्स इज शो, तो HCO3 जो ये वाला रिएक्शन है, जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा बना HCO3, वो वापस से मतलब ये रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। ओके, रिएक्शन आपको ये याद करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। ओके, द रीज़न फॉर द रिएक्शन बींग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर द टिश्यू एंड लंग्स इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस pH लेवल फाउंड इन देन। ओके, विदाउट द कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ वेरी शो हाउ वी आर विद द कैटलिज द रिएक्शन इन 10^-7 टाइम फास्टर। ओके, एक सिंपल सा रिएक्शन है जो आपकी थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जिंक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको मैं ओपन करके लिखा हूँ इसलिए आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख नहीं रहा है, बट नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ईजी समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक होता है, ऊपर में ऑक्सीजन है, मतलब कि H2 मॉलिक्यूल है, जिसको ओपन करके मैं लिखा हूँ, और ये हिस्टाडीन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो जैसे रिलीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CO2 जो है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ पे CO2 जाके ऐड हो जाता है। ओके, देन H2 जब ऐड होगा तो ये वाला CO2 जो है रिलीज हो जाता है, और जो OH है वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। इन सभी स्टेप में एक चीज़ कॉमन है कि हिस्टाडीन अपने जगह से हिलता ही नहीं। ओके, जो रिएक्शन होगा वो H2 में होगा, H2 यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, CO2 ऐड होगा, फिर वापस से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, एक साइकिल टाइप से, लेकिन यहाँ पे हिस्टाडीन कुछ नहीं होता। ओके, फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ H2CO3, इट आल्सो रेगुलेटेड pH एंड फ्लूइड बैलेंस, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट प्ले अ मेजर रोल इन रेस्पिरेशन एंड द ब्लड एसिड बेस बैलेंस। ओके, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बताया था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप देखेंगे ये जिंक है, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में हुआ था सेम वैसी है,
यहाँ पे जिंक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन हिस्टिडिन के साथ, और ये OH2 है ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, स्ट्रक्चर H2O को ओपन कर दिया, इसलिए आपको टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे साफ साफ टेट्राहेड्रल दिख रहा है। ओके, तो ये था एक कार्बोनिक एनहाइड्रेट का नोट्स। ओके, तो ये आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और हो सके तो इसका नोट्स बना लेंगे। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।